Welcome learners, welcome to Unacademy YouTube channel. दोस्तों कोई भी चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम हेमेंद्र कुमार मिश्रा है। मैं डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट और डीपीसी यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रह चुका हूं। टीएससी टोटल सैनिटेशन कैंपेन, एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन और एनबीए निर्मल भारत अभियान में भारत सरकार की इन तीनों महत्वपूर्ण स्वच्छता परियोजनाओं में मैंने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जनपद चित्रकूट में ग्रामीण स्वच्छता के विषय में काफी लंबा कार्य किया हुआ है और उसके उपरांत विभिन्न संस्थानों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षार्थियों को उनकी परीक्षा की तैयारी में सहयोग प्रदान करता रहा हूँ। और अन अकेडमी पर यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी के लिए कोर्सेज लेकर के आया हूँ। अगर आप अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो मेरा रेफरल कोड HEMU315 यूज करिए तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन के संदर्भ में आपको अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है तो मेरा फोन नंबर है 7607811366। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के थ्रू अपनी क्वेरीज भी सॉल्व करा सकते हैं। तो आज हम जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं वो है उत्तर प्रदेश पुलिस की आने वाली वैकेंसीज। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं लगभग 9500 से अधिक वैकेंसीज जो है यूपीपीएससी यूपी पुलिस में यूपीएसआई की आ रही हैं और इन वैकेंसीज के संदर्भ में अन अकेडमी के द्वारा एक स्पेशल बैच कोर्स मिशन सब इंस्पेक्टर 2021 चलाया जा रहा है। यानी कि इस बैच कोर्स में मल्टीपल एजुकेटर्स मिल करके आपके इस यूपीएसआई के रिटन एग्जामिनेशन के कोर्स को कंप्लीट कराएंगे। जो ये बैच कोर्स है 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 6 मंथ का इसका ड्यूरेशन है जिसमें कि मल्टीपल एजुकेटर्स एज फॉर एग्जांपल गर्वित सर, अभिनव सर, प्रिंस चौधरी सर, आशीष सारांश और डीसी मिश्रा सर और इनके अलावा और भी एजुकेटर्स हैं। मैं स्वयं भी इस कोर्स में जो है इकोनॉमिक्स लूंगा। तो इस कोर्स के माध्यम से मल्टीपल एजुकेटर्स आपके सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। कुछ बात नहीं, ये जो हमारा कंप्लीट कोर्स ऑन यूपीएसआई 2021 है तो इस कोर्स के बारे में, इस बैच कोर्स के बारे में बातें करने से थोड़ा पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो ये वैकेंसी आई हुई है इस वैकेंसी के बारे में, यूपीएसआई की वैकेंसी के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। यूपीएसआई की वैकेंसी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के द्वारा लाई गई है। पोस्ट का नाम सब इंस्पेक्टर है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9534 पोस्ट हैं सभी पदों को मिलाकर के। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस में जो है फर्स्ट स्टेप में ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन है, सेकंड स्टेप में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी है और थर्ड स्टेप में है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी है। एग्जामिनेशन डेट तो अभी नहीं आई है लेकिन एप्लीकेशन की डेट 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 के बीच ये फॉर्म्स भरे जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये 3 स्टेप है, हम लोगों ने अभी पहले बताया था। फर्स्ट स्टेप है ऑनलाइन रिटन एग्जाम, सेकंड स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी एंड थर्ड स्टेप है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी। इन तीनों ही स्टेप्स को क्वालिफाई करने के बाद आप यूपीएसआई के पोस्ट पर पहुंचेंगे। जो हमारा रिटन एग्जाम है ऑनलाइन रिटन एग्जाम, इसी ऑनलाइन रिटन एग्जाम के लिए अन अकेडमी एक स्पेशल बैच कोर्स भी ला रही है। इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर ली जाए तो टोटल 400 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होगा। दिस इज देयर विल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा। देयर विल बी टोटल 160 क्वेश्चंस आउट ऑफ 2.5 मार्क्स ईच। ये टोटल 160 क्वेश्चंस का पेपर होगा और हर क्वेश्चन के 2.5 मार्क्स मिलेंगे। द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 400 मार्क्स, टोटल 400 मार्क्स का टेस्ट होगा। टेस्ट ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे में आपको ये
पेपर करना होगा, यानी कि 120 मिनट में आपको ये पूरे 160 क्वेश्चन करने पड़े होंगे। एक अच्छी बात यह है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग ऑन एनी रॉन्ग आंसर्स, गलत आंसर्स होने पे नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होनी है, और टेस्ट विल बी अवेलेबल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश एक्सेप्ट द जनरल हिंदी पार्ट। जनरल हिंदी के पार्ट को छोड़ दिया जाए तो ये टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जो मेजर सेक्शंस रहेंगे उसमें रहेगा हमारा जनरल हिंदी, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें जनरल हिंदी 40 नंबर का रहेगा, जिसमें 40 क्वेश्चंस का रहेगा, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 आ सकते हैं, लेकिन आपको पास होने के लिए 35 मार्क्स को लाना ही लाना है। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल नॉलेज, इसके सेक्शंस लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से 24 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज से 16 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 100 नंबर्स का मैक्सिमम रहेगा, लेकिन मिनिमम 35 मार्क्स आपको लाने हैं। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये इसमें भी 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स मैक्सिमम है, लेकिन 35 मार्क्स आपको लेकर के आने हैं। मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट, इसमें भी जो है 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 2.5 नंबर ईच के हिसाब से 100 नंबर का पेपर होगा, और मिनिमम 35, यानी ईच सेक्शन में आपको मिनिमम 35 मार्क्स लेकर के ही आने हैं। साथ ही साथ इसमें आपको लिखित परीक्षा में चारों प्रश्न पत्रों में कुल 200 अंक न्यूनतम लाना होगा, लेकिन किसी भी विषय में पास होने के लिए 35 अंक जरूरी होंगे। कैंडिडेट मस्ट हैव टू ऑब्टेन ओवरऑल 200 मार्क्स एंड 35% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट टू क्वालिफाई इन रिटन एग्जामिनेशंस, यानी हर सब्जेक्ट में भी क्वालिफाई करना है और 200 मार्क्स भी लाने हैं। तो ये तो हो गया आपके रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न, और इसी रिटन एग्जामिनेशन के पैटर्न को कंप्लीटली पूरी तरह से पूरा कराने के लिए जो है ये अनअकैडमी के द्वारा बैच लाया जा रहा है, जिसमें अभिनव सिंह लॉ को कवर कराएंगे, प्रिंस चौधरी इंडियन पॉलिटी को कवर कराएंगे, विपिन कुमार हिस्ट्री को कवर कराएंगे, हेमेंद्र मिश्रा यानी कि मैं इकोनॉमी को कवर कराऊंगा, आशीष कुशवाहा मैथ्स को कवर कराएंगे, प्रिंस चौधरी करंट अफेयर्स को कवर कराएंगे, डीसी मिश्रा कंप्यूटर को कवर कराएंगे, गर्वित सक्सेना ज्योग्राफी को कवर कराएंगे, सारांश हिंदी को कवर कराएंगे, और श्री डीसी मिश्रा जो है ये रीजनिंग के सेक्शन को कवर कराएंगे। तो ये तो काम हो गया अनअकैडमी का, लेकिन देखिए हमारी हो सकती है इस बैच कोर्स से आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, कंप्लीट सिलेबस का कवरेज मिलेगा। मेहनत आप ही को करनी है, सीधी बात है, अर्जुन को जिस तरह से केवल चिड़िया की आंख दिख रही है थी, उसी तरह से ठीक आपको भी केवल अपना पेपर ही दिखना चाहिए। जब आप इसको एक ऐसे फेस के रूप में, एक टारगेट के रूप में ले लेंगे, तो आपकी मेहनत और हमारा गाइडेंस मिल करके 100% सिलेक्शन श्योर कर देगा। ये बैच कोर्स जो है 24th ऑफ मार्च को स्टार्ट हो रहा है, तो 24th ऑफ मार्च के पहले आप सभी लोग लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए एंड गेट योर प्लस सब्सक्रिप्शन एज प्लस एज पॉसिबल, और मेरा रेफरल कोड प्लस सब्सक्रिप्शन के से पहले मत भूलिएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ थैंक यू। अपने फोकस को ध्यान में रखते हुए, अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए लग जाइए अपनी परीक्षाओं पे और ज्वाइन करिए अनअकैडमी का बैच कोर्स।